अमेरिकी सुपरस्टार किम कर्दाशियां अपने बेहतरीन लुक के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी तरह दिखना चाहते हैं। किम से इंस्पायर होकर मॉडल जेनिफर पैम्पलोना ने खुद को किम की तरह दिखाने के लिए करोड़ों रुपए की सर्जरी करा डाली और अब वो दोबारा अपना असली चेहरा पाना चाहती हैं। 29 वर्षीय जेनिफर पैम्पलोना मूल रूप से ब्राजील की हैं, लेकिन अब दुबई में रहती हैं। उन्होंने पिछले 12 साल केवल किम कर्दाशियां की तरह दिखने के लिए अपने शरीर को फिलर्स करवाने में गुजारे हैं। बता दें कि मॉडल ने 40 कॉस्मेटिक ऑपरेशन करवाए हैं। मॉडल ने बताया कि मैंने कर्दाशियां के जैसा दिखने के लिए अलग अलग सर्जरी करवाई थी। मैं कर्दाशियां का लुक पाकर बहुत खुश थी। इसके जरिए मैंने बहुत पैसा कमाया और जिंदगी का लुत्फ उठाया, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। उन्होंने कहा, अब मुझे खुद को आईने में देखने का भी मन नहीं करता और जब लोग मुझे कर्दाशियां कहते हैं तो मुझे उन पर गुस्सा आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर ने किम जैसा दिखने के लिए करीब 4,77,00,000 रुपए खर्च कर दिए। साल 2010 में जब वो 17 साल की थी तब उन्होंने पहली सर्जरी करवाई थी। इसके बाद उन्होंने बट इम्प्लांट करवाया, फैट इंजेक्शंस लगवाए, होठ, गाल, नाक से लेकर अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे जब उन्होंने इतनी सर्जरी करवा ली तो लोग उन्हें किम कर्दाशियां की हमशक्ल कहने लगे, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब उन्हें अपने लुक से परेशानी होने लगी तो उन्होंने अपने पुराने लुक को पाने का मन बनाया। उन्होंने इस्तांबुल में एक डॉक्टर को ढूंढा जिसने दावा किया कि वो उसे पहले जैसा बना देंगे। नाक, फैट रिमूवल, चेहरे, गले आदि से जुड़ी सर्जरी को एक बार में करवा लिया, जिसके लिए उन्हें 95,00,000 रुपए तक खर्च करने पड़े। चेहरे को दोबारा पहले जैसा करवाने के दौरान उन्हें इन्फेक्शन भी हो गया, जिसके बाद उनके चेहरे से 3 दिन तक खून बहने लगा था। मॉडल ने अब अपने ऑपरेशन के बाद की तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।